एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस जी, कुछ ही समय बचे हैं आपकी 16 अक्टूबर की प्रथम पाली परीक्षा में, तो सभी मित्र आज के इस वीडियो को पहले शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इतनी मेहनत की कि गला बैठा लिया, और किसके कारण, वो भी आपके लिए। क्यों? क्योंकि गाइस मुझे आपके सपने को पूरा करने में बहुत अच्छा लगता है, आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। भले ही मेरा गला बैठ गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे मित्रों की क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। पहले तो सभी मित्र क्लास को लाइक कर दो, ताकि गाइस मुझे थोड़ा बहुत उत्साह तो मिल ही सके, ठीक है। तो गाइस बहुत ही कम समय बचा है आपकी परीक्षा में, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप गाइस 3-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित है कि 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। 24वें तीर्थंकर, या गाइस कहा जाए अंतिम तीर्थंकर, या कहा जाए जैन धर्म के जो गाइस वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ हुआ था, बहुत बढ़िया, कुंडग्राम में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, कश्मीर का अकबर किसे गाइस कहा जाता है, या कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। देखो, कश्मीर का अकबर जो है ये गाइस कहा जाता है जैनुल यानी जैन अल आबदीन को, किसको, जैनुल या जैन अल आबदीन को। अगला, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की 14 वर्ष। राइट यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। गाइस 1872 की बात की जा रही है, ठीक है, अभी की बात नहीं है। अगला, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया, किसे माना जाता है गाइस, रामानुजाचार्य को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस ईश्वर चंद विद्यासागर, ए आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला, आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है। कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मित्र, देखो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया, 1946 में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था, आपको बताना है कि इसमें कौन उदारवादी नेता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर देंगे। देखो माफ़ कीजिएगा गाइस, अगर अब तक आवाज़ थोड़ी फंसी फंसी जा रही है, फटी फटी से जा रही हो, तो माफ़ कर दीजिएगा, गला बैठ गया है क्लास लेते लेते, दर्द भी होने लगा है, ठीक है, तो माफ़ कर दीजिएगा इतना। तो देखो यहाँ पर जो गाइस उदारवादी नेता नहीं थे, इसमें गाइस मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गाइस उदारवादी नेता थे, लेकिन कौन नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक, डी आंसर आपका राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कौन थी मित्र, देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये कौन थी, बहुत गजब का आंसर है मित्र, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा एनी बेसेंट, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखो मित्र, जब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, जब भारतीय शब्द जोड़ दिया जाएगा तब आप कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, शायद कल के शाम की शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और आज जो क्वेश्चन आ सकता है वो पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जब केवल और केवल गाइस गवर्नर पूछा जाएगा तब आप कहेंगे माउंटबेटन, क्या कहेंगे, माउंटबेटन। अगला, वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी की यात्रा क्यों की, बताएंगे। आवाज़ आप तक स्लो जा रही होगी, माफ़ करना, गला बैठ गया, बहुत देर अब गए चिल्ला नहीं सकते हैं, ठीक है,
तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए गए जिन्होंने सत्याग्रह और दांडी यात्रा शुरू की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भूगोल का क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंचाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है तथा बुलट झील से होकर बहती है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है और बुलट झील, बुलट जो है गाइस ये कहाँ पर है, बुलट झील जो है ना ये गाइस आपकी कश्मीर में है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और गाइस जो बुलट झील से होकर के बहती भी है तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगी आपकी पीर पंजाल श्रेणी, बहुत बढ़िया, कौन सी नदी मित्र, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में जैव विविधता जो है पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डियर, जो भी बता रहे हैं यहाँ पर हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 13 है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों। अगला, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरी तम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो देखो काराकोरम पर्वत श्रेणी में जो गाइस सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, ये हो जाएगी आपकी K2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 21। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 55, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है ये किससे संबंधित है, भारत की संविधान का अनुच्छेद नंबर 66 जो है यह किससे संबंधित है। देखो अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और जो अनुच्छेद 66 है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से, किससे, उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई, क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से आंसर देंगे, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, देखो जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, जो भी यहां पर प्यारे भाई बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, किसे प्रदान की गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्र, सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा केंद्र को, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, क्वेश्चन नंबर 24, सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डॉक्टर बी एन राव जो है गाइस ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर देंगे, देखो मित्र मेहनत जी जान सीधा थमाव के लिए लगा रहे हैं तो इतनी फर्ज आपकी बनती है गाइस, इतना आपका जिम्मेदारी है कि कम से कम आप लाइक तो कर ही दिया करो। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए मैं सभी मित्र एक बार क्लास को पहले लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिला करे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, कौन सी है, बहुत बढ़िया, प्राकलन समिति, ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, असुमेलित तथ्य को पहचानिए, आपको बताने गए जिसमें कौन सा गलत है, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखो
जो विटामिन B1 है इसे थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 आपका राइबोफ्लोबिन, ठीक है। विटामिन B6 जो है एस्कॉर्बिक एसिड, गलत, विटामिन B6 नहीं है गाइस, आपका विटामिन सी का है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, एक कोशिकीय प्राणियों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो एक कोशिकीय प्राणी है इनको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्रोटोजोवन के रूप में, किस रूप में, प्रोटोजोवन के रूप में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केले के पौधे की जड़ जो है ये कैसी है, क्वेश्चन नंबर 28, केले के पौधे की जड़ जो है ये कैसी है। मित्र अब तक हमारी आवाज़ साफ नहीं जा रही है, मुझे पता है, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से गाइस बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और बोलूँ कैसे, कैसे बोलूँ गाइस जो बोल ही नहीं पा रहे हैं। लाइक कर दो एक बार सभी मित्र, पहले सभी मित्र लाइक कर दो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यार इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए और आप ऐसे मित्र लाइक तक नहीं करते हैं, अरे कम से कम कुछ तो यार समझा करो। केले के पौधे की जड़ राइट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मित्र, बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा अपस्थानिक मूल है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो मदरसे नदी में प्रवेश करती है तब क्या होता है, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करती है तब वह थोड़ा ऊपर उठ जाती है, कैसी होती है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे थायमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है, जो थायमस ग्रंथि द्वारा हार्मोन होता है उसका क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 30, उसको गाइस जो थायमोसिन हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप बताएंगे। हिंदी आपका छूट गया है क्या, चलो कोई बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 61। देखो गाइज जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा गाइज, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं मित्र हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 12 अगस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंडिया गेट जो है यह पुस्तक किसने लिखी, इंडिया गेट नामक पुस्तक किसने लिखी, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप बताएंगे, बहुत बढ़िया। इंडिया गेट नामक पुस्तक जो है ये लेसी फोबर्ग के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, लेसी फोबर्ग के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 63 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के रूप में, अगुवाई से फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस खेल को तीन रूप भेदों में खेला जाता है, घोड़ा, साइकिल और हाथी, क्वेश्चन नंबर 64 क्या आएगा इसकी, किस खेल को तीन रूप भेदों में खेला जाता है, घोड़ा खेल, साइकिल और हाथी, राइट हो जाएगा पोलो, क्या हो जाएगा पोलो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आप गाइस एक क्वेश्चन का आंसर हमें बताएंगे, पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, यह आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 65 सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक पर्यटक ट्रेन है, आपको बताना है इसमें कौन सा एक पर्यटक ट्रेन है, क्वेश्चन नंबर 66 बहुत बढ़िया। गाइज आपका जो पैलेस ऑन व्हील्स है, जो रॉयल राजस्थान है और जो महाराणा एक्सप्रेस है, जो गाइज यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स है, जो आपका रॉयल राजस्थान है और जो आपका महाराणा एक्सप्रेस है, ये सभी जो हैं ये गाइज आपके राजस्थान की एक पर्यटक ट्रेनें हैं, ऑप्शन डी ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो भी यहाँ पर ये सभी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 67 राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस कब छोड़ा इन्होंने, बहुत बढ़िया, वर्ष 1975 में, ये आंसर आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला पुस्तक जो है राज तरंगड़ी इसके लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, पुस्तक राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 68 जल्दी से बताएंगे, सही आंसर हो जाएगा कल्लड़, कौन है, कल्लड़ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, जो स्वीडन की राजधानी है उसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम, क्या राजधानी का नाम है, स्टॉकहोम, ये आंसर राइट होगा। भारतीय दलहन
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सॉरी मित्र, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ है, ये गाइस आपके कानपुर में कहाँ है? कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर गाइस मैंने उस सेट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पर कंप्लीट करें इस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह पहले लाइक कर दें। लाइक एक बार पहले सभी मित्र कर दूँ यार, देखने वालों की संख्या इतनी होती है और लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। डीमोटिवेट बिल्कुल ना करो, बिल्कुल डीमोटिवेट ना करो यार। देखो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना, गला बैठ गया है, आवाज़ आप तक क्लियर नहीं जा रही होगी, लेकिन आप ऐसे मित्र लाइक तक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दो एक बार। जो अतरंजी खेड़ा प्राथमिक स्थल है ये कहाँ है? अब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, समय नहीं है। राइट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है या गैस किसमें किया गया है? क्वेश्चन नंबर दो, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए, तैरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर चार, सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लाहौर में बादशाही मंदिर का निर्माण है, बादशाही मस्जिद का निर्माण है, ये किसने करवाया? औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस, कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उसमें मुगल सम्राट कौन थे? क्वेश्चन नंबर पाँच, तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उसमें जो मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर छः, सही आंसर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन नंबर छः, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मित्र हमारी शुभकामना आपके साथ है, मैंने गाइस आपके लिए आपके एग्जाम के लिए गला बैठा दिया है, तो ऊपर वाला देख रहा है कि इतनी मेहनत किए हैं, तो निश्चित है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपने पूरी क्लास देख ली है। और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है मित्र, सदैव आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। माता पिता का नाम लीजिएगा, माँ सरस्वती का नाम लेकर के गाइस पन्ना पहला पलट ही गया, ठीक है। आपको पता चलेगा कि मैं सबका सब आंसर जानता हूँ, और जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपकी मुस्कुराहट ही बताएगी कि आप कितना बेहतर क्वेश्चन करके आए हैं। देखो गाइस बहुत ही बेहतर आपका पेपर होगा, ये हमारी शुभकामना आपके साथ है, आपको बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको एकाग्र चित्त मन से बैठना है, ठीक है। आपको गाइस डरने की कोई भी बात नहीं, तनिक भी डरना नहीं है, डरने की क्या बात है? अरे भैया इतने दिन पढ़े हो, इतने मेहनती बच्चे हो, तो आप क्यों डरो? बिल्कुल नहीं डरना है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गाइस आपको बताना है कि इसमें कौन सी घटना कब घटित हुई, ये आपको उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर आठ का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप बताएंगे सही आंसर। देखो गाइस इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर आठ की, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कौन सा हुआ था गाइस, आपका बंगाल विभाजन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ इसमें, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में ही आपका पहला होगा। फिर देखो गाइस आपका वो हुआ चंपारण सत्याग्रह, और फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मतलब पहले दो, फिर एक, और फिर तीन, दो एक तीन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मित्र, सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जो भी बता रहे हैं कि एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है?
किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? क्वेश्चन नंबर 11। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ है? नाथुला दर्रा जो है गाइस ये कहाँ है? बहुत बढ़िया गाइस, कहाँ पर है नाथुला दर्रा जो है? ये अपने भारत के सिक्किम में है। कहाँ पर है? भारत के सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पर जो गाइस कीबली लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मणिपुर में है, ये आपका सही है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो गिर जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका कहाँ है? ये आपका गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान नहीं दिया हो जाना चाहिए था। रणथंभौर जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका शायद राजस्थान में है, ठीक है। और जो गाइस आपका साइलेंट वैली है ये आपका केरल में है, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखो गाइस जैसे ये हो गया आपका सूर्य, उसके बाद आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज जो है ये कहाँ है? 90 ईस्ट रिज जो है ये कहाँ पर है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आपका, वो हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? गाइस बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ए आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। देखो निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? क्वेश्चन नंबर 17। सही आंसर हो जाएगा आपका माधोपुरी बुच। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग जो है या किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर उद्योग जो है ये गाइस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। ए आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? देखो गाइस हरित क्रांति यहाँ पर जो बात की जा रही है ना वो बात की जा रही है विश्व की, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को, जब गाइस विश्व में कहा जाएगा तब नॉर्मन बोरलॉग, जब आपसे कहा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का, तब आप कहेंगे गाइस एमएस स्वामीनाथन। क्या कहेंगे? एमएस स्वामीनाथन। अगला देखो कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसके गाइस नाम से जाना जाता था, यानी किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है? क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल गाइस जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का जो पुराना नाम था वो था गाइस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखो जो संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे ये कौन थे ये पूछा जा रहा है ना, बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का, वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, वो हो जाएगा गाइस भाग नंबर, मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है गाइस ये भाग नंबर 3 में किया गया है। किसमें? 3 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। देखो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा।
देखो गाइस, जो भारत के वित्त आयोग हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है ये पूछा जा रहा है ना। बहुत बढ़िया, सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मित्र, प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, तो देखो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 है ना, तो राइट क्या हो जाएगा आपका, भाग नंबर 9 ए आंसर आपका राइट होगा। इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा मित्र, आपका हटेगा भी नहीं। अगला देखो, पारसिक जो है किसकी इकाई है? पारसिक जो है किसकी इकाई है? बताएंगे पारसिक किसकी इकाई है? बहुत बढ़िया, पारसिक जो है किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दूरी की। जो गाइस दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये पारसिक ही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक सीधी सड़क पर कार की गति किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 27, एक सीधी सड़क पर कार की गति जो है किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा रेखीय, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? जो गाइस समस्थानिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि समस्थानिक का मतलब क्या है, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। समस्थानिक का मतलब जो होता है गाइस, वो होता है कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या है ये अलग अलग हो, यानी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या हो, उसे कहा जाएगा समस्थानिक। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? 29 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेंडल। किसको गाइस? ग्रेगर सॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भैया प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि गाइस आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे, हर एक नए प्रैक्टिस सेट की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे, ठीक है, और एनालिसिस भी आपको सबसे पहले मिले। आनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है गाइस? ये कहा जाता है मेंडल को। किसे? मेंडल को, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? मैंने इसके पहले वाले सेट में आपको ये पढ़ाया है, इसके पहले वाले सेट में, अभी जो गाइस थोड़ी देर पहले आपकी क्लास चली है उसमें भी मैंने आपको ये पढ़ाया है। ए बी प्लस, क्या हो जाएगा? ए बी प्लस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला, आपके सामने निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको बताना है गाइस वर्तनी की दृष्टि से सही यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36, देखो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अनुग्रहित जो है आपका ये सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता जो है ये गाइस इसने किसने लिखा? वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 37, किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाएगा गाइस अप्रत्याशित, क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित। अगला, अकाल का जो पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, देखो जो अकाल का पर्यायवाची है वह है जो दुर्भिक्ष, क्या है? दुर्भिक्ष, ए आंसर आपका राइट होगा। आकाश शब्द का विलोम आपको बताना है, आकाश जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है, क्वेश्चन नंबर 40। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अभी थोड़ी देर बाद आपकी फिर से क्लासेज आ जाएंगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाताल, ठीक है। तो मित्र यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें भी कवर कर लिए, और गाइज आपका समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है, थोड़ी देर आपके पास और हैं, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना पढ़ लीजिए। अभी थोड़ी देर बाद गाइज आधे घंटे बाद मैं आपकी क्लास फिर से लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास आपकी होगी, ठीक है। गला बैठ गया है माई, बहुत ही गाइज दर्द हो रहा है, क्या बताएं, बहुत दर्द भी हो रहा है, इतना बोल दिए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइज, बोलना मुझे गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फ़र्क क्यों पड़ेगा जब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, समझते हो ना। मित्र मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जी जान शिद्दत के साथ लगे हो तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपके सपने को रोक सके, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जिस तरीके से आप मुझे हौसला दे रहे हैं, है ना। तो मित्र एक बार पहले सभी लाइक कर दो, जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम फिर से नई क्लास लेकर आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। एनालिसिस सबसे पहले आपको मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं।
इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।